और खान पीन की चीजों में दाम में तेजी से गृहस्थी का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर महिलाओं में रोष दिखाई दिया, जहां एक फिल्म का चर्चित गाना उनकी मानव स्थिति पर सटीक बैठ रहा है, जहां दबी जुबां पर वह अपने दर्द के मन की बयां कर मानो कह रही हो, सखी सैया तो खूब कमाए, महंगाई डायन खात जात है। गृहिणी महिलाएं तो वहीं महंगाई पर नियंत्रित करने की सरकारी मंशा पर सवाल। ये 40 रुपये से 60 रुपया, हल्की प्याज 20 रुपये किलो। और प्याज की तेजी का मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी। एक्सपोर्ट चालू करने से ही प्याज महंगी हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव थे, इसके कारण एक्सपोर्ट बंद किया तो प्याज में एकदम गिरावट हुई। गिरावट के बाद इन्हें खोल दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के कारण प्याज 50 से 60 रुपये पहुँची। फुटकर में क्या रेट चल रहा? फुटकर में 80 रुपये किलो। और होलसेल? होलसेल में ऊंचे में 60 रुपये, हल्के में 20 और 30 रुपये किलो। अच्छा, अपने स्थानीय तौर पे कोई किसान आता है क्या? स्थानीय तौर पे सागर में जो प्याज की आवक होती है फरवरी में 50-100 गाड़ी आती है। प्याज में हो जाएगी 15-20 रुपये किलो फरवरी में। तो ये जो बाहर से आ रही है उसकी कितनी? ये बाहर जा रही है सुजालपुर, शाजापुर, खंडवा और इंदौर। और इंदौर में ऊंची प्याज 60 रुपये किलो के रेट है, सागर भी 60 रुपये। कब तक ऐसी संभावना बनी है? समझ लो आपकी पूरी जनवरी के बाद प्याज के रेट डाउन होंगे। हम लोग का पूरा बजट खराब हो गया कि बच्चों को पढ़ाएं कि कुछ क्या करें। हम लोग समझ नहीं आती, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ठंडी लग गई है, ठंडी के समय तो हर सब्जी सस्ती रहती है। इस समय सब लोग इंतजार करते हैं कि कुछ अच्छी सब्जी खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, पर क्या खाएं बजट ही समझ। या तो पहले तो प्याज काटते समय आंखों में आंसू आते थे, आजकल खरीदते समय आने लगे हैं। 70-80 रुपए किलो हो गई है और पूरी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि खरीदते समय सोचते हैं अब दोनों टाइम क्या बनाएं। हर चीज़ पे महंगाई है, सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। हर चीज़ को आगे लाती है लेकिन सब्जी को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है कि कैसे इसका बजट बनाए। अब जैसे कोई आम आदमी है, मजदूर है, तो वो इतनी सब्जी कैसे खरीदे, इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदे। चलो जिनका नौकरी है, सर्विस है, वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन आम आदमी पे इतना इसका असर पड़ रहा है कि सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे पा रही। हर तो खरीदियाँ दूर है, सब्जियाँ नहीं खरीद पा रहा आजकल इंसान। टमाटर सरकार से थोड़ी है, मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दे, आम आदमियों के बजट पर ध्यान दे। कीमतों के लिए सरकार और प्याज के कालाबाजारी दोषी हैं, जिन्होंने किसानों से सस्ती दर पर प्याज खरीदकर अपने गोदामों में बंद कर रखा है, जिससे प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो गोदामों में उन्होंने प्याज को बंद कर रखा है उसे आम जनता को उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम गृहिणियों की रसोई पर पड़ने वाले भार को कम किया जाए और आम जनता पर जो भार पड़ रहा है उसको कम किया जाए। लहसुन प्याज और सभी के दाम काफ़ी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं।